पहले तुम यहाँ पर आ गया और एक नेट खींचा और यहाँ पर फेंक दिया। तो भाई ये नेट जो खाली जाने वाला है, अब भाई इन बंदों की देखो भाई फील्डिंग देखो कैसी लगी हुई है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आ गया, एक बंदा जो है यहाँ पर सामने है मेरे और एक बंदा यहाँ पर है। तो भाई जैसे मुझे मैं जाऊँगा तो मुझे मार देंगे भाई। सबसे पहले तो मैंने इस वाले बंदे को नॉक किया और जैसे इसे नॉक किया अब तो रश बनता ही है। तो व्हाट्सएप बड़ी आ चुकी है एक और नई वीडियो के साथ आपस। और जैसे मैं नीचे कूदा और भाई आई बटन घुमाया तो भाई कितने सारे बंदे यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन भाई एक भी बंदा अपनी तरफ नहीं आ रहा। मुझे सबसे पहले लगा ये सभी के सभी बंदे जो है स्टेडियम पे आ रहे हैं, लेकिन नहीं भाई ये बंदे जो है पायलट प्लाजा पर चले गए। भाई यहाँ से तो पायलट प्लाजा तक अपन नहीं जा सकते, तो सबसे पहले तो अपने यहाँ पर लैंडिंग हो जाती है और मुझे तीन बंदे उतरते दिखते हैं वहाँ पर सेंट्रल रोड पर। अब सबसे पहले तो अपनी लैंडिंग सक्सेसफुली हो गई और भाई एक शॉट गन मिल गया। अब शॉट गन का इतना कुछ खास काम तो नहीं इतनी जल्दी लैंडिंग होने के बाद। तो भाई सबसे पहले तो यहाँ से मैं नीचे कूदता हूँ और जैसे ही मैं नीचे गया मुझे एक और शॉट गन मिली और उसके सामने पड़ी थी M4। अब मैंने जैसे ही M4 उठाई यहाँ से सामने DP दिखाई दी। अब भाई DP M4 AK DP AK में एक साथ हो तो भाई मैं AK में उठाऊँगा। तो यहाँ से जैसे ही मैंने AK में उठा भाई मुझे किसी की तो कूदने की आवाज़ आई। अब जैसे मुझे किसी की कूदने की आवाज़ आई छत पर से, सबसे पहले मैं छत पर चला गया और भाई साहब जैसे मैं छत पर आया मुझे एक बंदा दिखाई दिया जिसे कि सबसे पहले ही नॉक कर दिया। अब इसके टीममेट की मैं थोड़ी देर तक रहा देखता हूँ और जैसे मुझे पता चलता है इसका टीममेट इस वाले घर में नहीं है तो मैं सबसे पहले इसे फिनिश कर दिया। अब जैसे मैंने इस वाले बंदे को फिनिश कर दिया इसके टीममेट को ढूंढने लग गया। यहाँ सबसे पहले तो मुझे लगा उसका टीममेट जो ऊपर की साइड होगा, लेकिन यहाँ पर उसका टीममेट बिल्कुल नहीं था। वो जो सामने वाला स्विमिंग पूल है वहाँ पर टीममेट था, लेकिन भाई मुझे पता नहीं था ये बात। अब आगे जाके मुझे ये बात पता चली थी। अब सबसे पहले तो यहाँ से नीचे कूदा, बंदगी क्रेट वगैरह लूटी और कुछ बॉट फायर आता है और मुझे सबसे पहले लगा इसका टीममेट होगा, लेकिन भाई ये तो बॉट थे। अब जैसे इन वाले बॉटों को मारा भाई इसका टीममेट जो मुझे पीछे से फायर देता है वो तो किस्मत अच्छी उसकी AK पे शायद रेड डॉट था या फिर कुछ तो था, उसकी एक भी बुलेट में टच नहीं हुई, लेकिन भाई बंदे की एमो बहुत सारी वेस्ट हो गई। अब सबसे पहले उस बंदे को मैं वहाँ से डैमेज देने की कोशिश की। अब भाई साहब यहाँ से भी थोड़ा उसे डैमेज दिया। अब इतना सारा डैमेज होने के बावजूद मैं क्या करता हूँ, सीधा घुसने की कोशिश करता हूँ। अब भाई सीधा सीधा रश तो बनता ही है यहाँ पर। और जैसे मैं यहाँ पर आ गया आया बंदा दिखाई दिया और भाई क्या ही डेंजरस मारा इस बंदी को। तो भाई ये वाली चीज़ पसंद आते ना तो प्लीज़ यार एक लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज़। मैं कब से बोलता आया और ऑल बॉट शॉट साथ ही मुझे बॉट फायर आ जाता है जिन्हें भाई मैं स्किप करता हूँ बोल के भाई बॉट फायर क्यों दिखा रहा है। तो दो बॉटों को मारा आ जाते हैं इस बंदी की क्रेट लूटने के लिए। तो भाई मुझे इससे लेवल 3 का हेलमेट मिल जाता है और मैं यहाँ पर थोड़ी सी लूट कर लेता हूँ कम्प्लीट। और भाई सबसे पहले तो अपने यहाँ पर एनर्जी ड्रिंक वगैरह लगा लूँ भाई, क्योंकि जोन में अभी तक जाना है, जोन बहुत दूर है। और जब जैसे मैं सब कुछ करके यहाँ से निकलता हूँ जोन में जाने के लिए, तो भाई ये जो देख रहे हो मेरा लेवल 3 का हेलमेट कितना ऑसम लग रहा है। तो भाई मैंने विनर पास मोक में लिया है, तो आपको भी वो ट्रिक चाहिए तो मैंने वीडियो छोड़ा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। भाई जैसे मैं यहाँ से निकला सामने की तरफ मुझे गाड़ी दिखाई थी, सोचा मैंने इस गाड़ी को लेकर यहाँ से निकलूँगा, लेकिन भाई यहाँ पर तो कुछ और ही तबाही होने वाली थी। अब देखिए भाई कितनी डेंजरस तबाही होगी। इस तबाही से अगर मैं बचता हूँ तो आपको एक लाइक करना पड़ेगा और एक सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो कर देना भाई। तो जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ मुझे यहाँ पर एक बग्घी चलती दिखाई देती है जिसकी वजह से मैं फ्री फायर करता हूँ, लेकिन भाई बग्घी जो भाग जाती है। अब जैसे ही वाली बग्घी भागी सामने की तरफ मुझे एक डासिया दिखाई दी। अब सबसे पहले तो मुझे लगा ये बग्घी वाली वहाँ पर आएंगे, इनके ऊपर फ्लैंक प्लोंग मारेंगे और उन्हें बड़े आसान से भर देगी, लेकिन भाई मुझे साइड से फायर आना चालू हो जाता है इन लाल घोरों की तरफ से। अब जैसे ही मुझे ऐसे फायर आया मैं आगे बढ़ा थोड़ी देर के लिए यहाँ से बंदे स्पॉट करने की कोशिश, लेकिन कोई भी बंदा मुझे स्पॉट नहीं आया। फिर एक डासिया दिखाई थी जो भगती हुई जा रही थी। अब भाई शायद ये दो टीमें थी जो आपस में लड़ रही थी, लड़ झगड़ कर मर जाएगी ऐसा मैंने सोचा, लेकिन नहीं बाद में मुझे क्या सोचा क्या पता मैंने इन टीमों के ऊपर रश करना चालू कर दिया। मैं सोचा वीर उसकी इस पार से जाऊँगा, लेकिन भाई पता नहीं मुझे क्या ही सोचा जो मैंने यहाँ से रिवर्स चला गया उन टीमों के पास। तो भाई ये वाली तबाही देखे तो एक लाइक तो बनता है। मुझे यहाँ पर एक बंदा दिखाई दिया, यहाँ से एंगल ठीक ना बनने के कारण मैं उसके थोड़ा क्लोज जाने की सोचता हूँ। भाई जैसे मैं यहाँ पर आगे आता हूँ मुझे पता चलता है M4 से एक टीममेट का जो नॉक हो चुका है। भाई एक बंदा बचता ही और एक पूरी पूरी टीम बचती है। भाई ये जो बंदा उसे फिनिश कर देता है और मैं इस बंदे को मैंने यहाँ से फ्री फायर देने की कोशिश की, लेकिन भाई बंदा जो बहुत था इसलिए वो बैंडेज लगाने के लिए चला गया, लेकिन भाई इसका टीममेट उसको कवर दे रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पर फ्री फायर करता हूँ लेकिन भाई उसका टीममेट एक गलत काम कर देता है
अपने ऊपर पुश कर देता है। जैसे इस वाले बंदे अपने ऊपर पुश किया भाई, मैं वाल पर चला गया, ब्रोकन वाल पर, और भाई ऐसे उस बंदे को देखने की कोशिश की, और जैसे और भाई जैसे ही मुझे बंदा देखा बढ़िया सा जैसे पेल दिया। अब सबसे पहले तो भाई यहाँ पर इतने सारे बॉट फायर रहते हैं भाई, मैं पूरा का पूरा कंप्यूटर रहता हूँ, कहाँ से रियल बंदे मार ले मुझे कुछ समझ में आ रहा था। और भाई ऐसा होता भी एक रियल बंदा जो भाई मुझे मारता है, अब मेरी हेल्थ देखो अचानक से कितनी ज़्यादा लो हो जाती है। एक बॉट दिखा भाई, जैसे इस बॉट को इतना सारा डैमेज दिया, पता नहीं भाई किसने मेरे रियल डैमेज, सबसे पहले लगा ये इसने होगा ये रियल बंदा होगा, लेकिन ये भी एक बॉट था। और भाई देखिए मेरी हेल्थ जो कितनी सारी डैमेज हो रही है, मैं पूरा का पूरा पैनिक हो चुका था। अब सबको मारने के बाद मुझे दिखाई दिया ये जो आखिरी वॉट था भाई, इसे मार दिया। अब जैसे इसे मारा, सामने वाले अपने अपनी गाड़ी लेकर ऐसे जोन में जाने की बारी थी। अब भाई गाड़ी के ऊपर आ गया और ऐसे जोन में जाने की बारी थी, भाई गाड़ी लेकर तो मैं ऐसे निकल जाऊंगा। दोस्तों आपको अगर विनर पास में लेना है तो मैंने जो ट्रिक बताई उसे फॉलो कीजिए, आपको बिल्कुल फ्री में विनर पास मिल जाएगा। दोस्तों मैंने खुद से रियलाइज़ किया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब सबसे पहले तो ऐसे मैं गाड़ी पर बैठा, जोन में निकलने की कोशिश, और हैकर वाली ज़रा फीलिंग भाई, कहते ये नशे जो कभी ख़त्म नहीं होने वाले, सस्ते नशे। अब भाई सस्ता नशा तो अपन करते रहेंगे, सबसे पहले तो जोन में जाएंगे, और जोन में मैं आ भी जाता हूँ दोस्तों। जो वेयर हाउस इस साइड रुकता हूँ, सबसे पहले मुझे लगा कि भाई एक आधा बंदा तो अपने को यहाँ से मिल जाएगा जिसे बड़े से पेल देंगे, लेकिन भाई अपनी किस्मत इतनी ख़राब कि मैं यहाँ पर बहुत देर तक वेट करता हूँ। दरअसल मैं 4-5 घंटा यहाँ पर वेट करता हूँ, लेकिन भाई मुझे एक भी जो बंदा क्या बॉट भी स्पॉट नहीं होता। भाई बहुत देर तक रहा, देखने के बाद मैं पूरा का पूरा पागल हो गया, बहुत दौड़ा, गाड़ी तो अपनी यहीं पर छोड़ दी, और भाई जो जो नदी का जो ब्रिज रहता है उसे पैदल क्रॉस कर दिया। अब जैसे वाला ब्रिज मैंने पैदल क्रॉस कर दिया, थोड़ी देर के लिए आगे बढ़ा। अब मुझे डर था कि भाई सामने से कोई बंदा मुझे मार ना दे, इसलिए मैं पूरा सतर्क होकर जा रहा था। तभी मुझे सामने वाला जो लाल घर है वहाँ पर बगिया दिखाई दी, भाई एक नहीं दो नहीं पूरी तीन तीन बगिया थी। अब सबसे पहले यहाँ से बंदे स्पॉट करने की कोशिश की, वहाँ पर बगिया, तो मुझे पता चल गया भाई यहाँ पर बंदे होंगे। और भाई ऐसा होता भी, यहाँ पर एक पूरी की पूरी टीम रहती है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से इस टीम को स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ। मुझे एक बंदा दिखाई भी देता है जिससे कि भाई बहुत सारा डैमेज दे देता हूँ, लेकिन किस्मत से बंदा जो घर में चला गया, और उस भाई साहब उसे एक हेड भी पड़ा। अब इस वाले बंदे को हेड पड़ा और वो बंदा जो कवर में चला गया। दूसरे बंदे को स्पॉट करने की कोशिश, लकीली भाई कोई बंदा मुझे स्पॉट नहीं हुआ। अब भाई ये सस्ते नशे देखिए भाई कितने बंदों के साथ होता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। भाई नेट खींच रहा हूँ लेकिन नेट जो कुक हो ही नहीं रहा। अब दूसरा नेट हो चुका है भाई, यहाँ से मैं नेट को कैंसिल कर देता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों मेरी गलत फैमिली देखना कितनी बड़ी गलत फैमिली हो जाती है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर थोड़ी देर तक रहा देखता हूँ, और भाई बंदों के ऊपर पुश करने की सोचता। अब जैसे मैंने उस बंदे को ऊपर पुश किया नेड़, अब भाई नेड़ जो मैं इस पीछे वाले घर में फेंक रहा था जबकि बंदे आगे वाले घर में थे, पता नहीं मैंने भी कौन सा गांजा वांजा फूंक लिया था। भाई बंदे जो आगे वाले बिल्डिंग में, और मैं भाई पीछे की साइड नेट कर रहा हूँ। भाई मैं खुद को मुझे लगा भाई इतनी सारी नेट फेंके लेकिन बंदा मारा कैसा नहीं। अब जैसे मैं यहाँ पर आ गया, अब भाई बंदों की पूरी प्लानिंग देखना भाई, कितना डेंजर प्लान बनाया था इन्होंने। एक बंदा इस तरफ और एक बंदा सामने की तरफ, भाई पूरी की फील्डिंग बिचा रखी है उन्होंने। तो सबसे पहले भाई इस बंदे को मारा, अब जैसे इस वाले बंदे को मारा भाई रश तो बनता ही है, और भाई क्या ही मारा इस वाले बंदे को। अब इन दोनों तो बोल रहे हैं कि मुझे भाई हैकर हुआ हैकर है। अब भाई जोन में कुल मिलाकर बचते एक टीम और मैं। अब भाई साहब इस टीम को मैं मारूंगा तो भाई एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। दोस्तों प्लीज़ आज सब्सक्राइब किया करो और लाइक भी कर दो, क्योंकि भाई मैं बहुत बढ़िया बढ़िया गेम प्ले लाता रहता हूँ। अब भाई देखिए इस टीम को कितनी आसानी से भरेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लूट लाट कंप्लीट कर लेते, अपने पास एमओ वगैरह बहुत सारे। सबसे पहले जोन की पीछे की साइड जाएंगे क्योंकि मुझे सामने की तरफ से फायर आया था, और भाई एक बंदे के पास आरपीजी भी है। आरपीजी भाई क्या ही बताओ, अब सामने की तरफ आएगा और छोड़ देगा, पागल बंदा होगा। तो मुझे यहाँ से बंदे के स्पोटर स्टेप आए, कोई तो बंदा क्रॉस कर रहा था, और वैसा होता भी एक गिली शूट वाला मुझे दिखाई दिया। भाई वो आरपीजी फायर करता है, लकीली भाई उसके आरपीजी के एमो जो चुक गई और मैंने इस बंदे को ऊपर से भर दिया। अब जैसे इस वाले बंदे को नॉक किया भाई, दूसरे बंदे को स्पॉट करने की कोशिश थी मेरी, अब यहाँ पर आ गया। अब जैसे मैं यहाँ पर आ गया भाई, मुझे सबसे पहले लगा शैक में बंदा होगा, इसलिए मैं यहाँ से कूद कर देखता हूँ भाई मुझे बंदा दिख जाए, लेकिन भाई शैक में एक भी बंदा नहीं था। और फोटो स्टेप तो आ रहे थे भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और आगे बढ़ा तो दिखाई दिया भाई ये जो नॉक वाला बंदा है मुझे कंफ्यूज कर रहा है। अब ये वाला बंदा कंफ्यूज कर रहा है, मैं पीछे आया फॉलो बैक करने की कोशिश, लेकिन भाई बहुत सारा डैमेज मिला। जैसे मुझे डैमेज मिला मुझे लगा था बंदा मेरे ऊपर पुश कर देगा, और वैसा होता भी है, और भाई इस बंदे ने पुश कर दिया।
अब भाई क्या ही भरा इस वाले बंदे को भाई, मतलब बहुत ही बढ़िया लगा दोस्तों। अगर आपको भी ये चीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ यार लाइक कर दो, और आप मैंने तय किया था अगर मैं स्ट्रीम को मारता हूँ तो आप जो सब्सक्राइब कर दोगे तो भाई प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। और आपको विनर पास लेना है तो मैंने ट्रिक बताई है दोस्तों, इस ट्रिक को फॉलो कर दो, आपको विनर पास मुफ्त में मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों प्लीज़ यार वीडियो पर लाइक किया करो, अपन जो जल्दी पीसी गेम खेलना भी चालू कर देंगे तो प्लीज़ यार वीडियो पर अच्छा खासा सपोर्ट नहीं मिल रहा दोस्तों। मैं बहुत से बहुत बढ़िया बढ़िया गेम प्ले एक से एक गेम प्ले बनाता रहता हूँ दोस्तों, प्लीज़ यार वीडियो पर लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो, मैं जो हर रोज़ वीडियो बनाता रहता हूँ। लेकिन भाई इतना जो मुझे चाहिए उतना मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो प्लीज़ यार दोस्तों वीडियो पर लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। भाई कितने दिन से मैं वीडियो बना रहा हूँ वो तो आपकी बात रही, लेकिन मैं वीडियो बनाना नहीं छोड़ूंगा दोस्तों, मैं फुल एंटरटेनमेंट करता रहूँगा एंटरटेनमेंट। तो भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए बाय, टेक केयर और सब्सक्राइब कर देना।